नमस्कार साथियों, आज हमें बहुत मुख्य मुद्दे पे बात करनी है। उसका नाम है प्री प्रोडक्शन मीटिंग यानी पीपी मीटिंग। गारमेंट एक्सपोर्ट की बैकबोन। लेकिन मेरी आदत है, आपको पहले से मालूम है, 2 से 3 मिनट मैं आपका लूंगा और मुझे चाहिए, क्योंकि काम के साथ साथ और भी पॉजिटिव बातें करना जरूरी है। आज साथियों, मैं ऐसे ही रास्ते में आ रहा था तो सोच रहा था कि मैं अपने दोस्तों को क्या बताऊं, तो मुझे लगा कि ओके, आज हम बात करते हैं प्रेम की। प्रेम यानी प्यार, मोहब्बत, लव। साथियों, ये दो शब्द का प्रेम, दो शब्द का वर्ड बहुत बड़ा है, बहुत कीमती है, बहुत वैल्यूएबल है। अब देखिए, सबसे पहले तो देश प्रेम जरूरी है, फिर माता पिता से प्रेम, फिर भाई बहन से प्रेम, चाचा चाची से प्रेम, और भी जो रिलेशन में है, अपनी बहन जीजा से प्रेम, अपने फुआ फूफा से प्रेम, अपने प्रांत से प्रेम, और अपने जिले से प्रेम, और अपने गांव से प्रेम, अपने गली मोहल्ले से प्रेम, है ना साथियों? सबसे प्रेम करना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना साथियों, ये प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए और हर व्यक्ति को करना चाहिए। उसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य से भी प्रेम करना चाहिए। साथियों, आप सबसे प्रेम करें, अच्छी बात है, मगर आपका शरीर आपके परिवार के लिए इंजन है, इंजन यानी ट्रेन तभी चल पाएगी जब इंजन बढ़िया होगा, स्वस्थ होगा। स्वस्थ का मतलब ठीक ठाक होगा, आप लंबी यात्रा कर सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि खुद को स्वस्थ रखें। और एक बात और कहना चाहूंगा मैं आपको, जितना प्रेम हमें देश से करना चाहिए, प्रांत से करना चाहिए, अपने जिले से करना चाहिए, अपने गांव से करना चाहिए, अपने गली मोहल्ले से करना चाहिए, अपने रिलेशन से करना चाहिए, उतना ही प्रेम हमें अपने प्रोफेशन से भी करना चाहिए। प्रोफेशन यानी आपका काम, आपका उत्तरदायित्व, आपकी जिम्मेदारी। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, कोई मायने नहीं रखता, उस प्रोफेशन से बेहद प्यार कीजिए, घुस जाइए उसके अंदर। प्रेम की परिभाषा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। हनुमान जी को प्रेम था राम जी से, सीता जी से, लक्ष्मण जी से और उनके परिवार से। साथियों, एक मिनट लूंगा मैं आपको। एक बार हनुमान जी को किसी ने मोती की माला गिफ्ट करी, उस जमाने में, त्रेता युग में। हनुमान जी ने उसे देखा, निहारा और बोला कि इसमें तो राम नाम लिखा ही नहीं है, राम सीता का नाम नहीं लिखा हुआ है। उन्होंने वो माला उतार के फेंक दी और किसी ने उन्हें बोला कि क्या तुम्हें राम और सीता से सच में बहुत प्यार है, बहुत प्रेम है, तो दिखाओ।
राम सीता तुम्हारे पास हैं क्या? बोले हाँ बिल्कुल है, मेरे दिल में है। और उन्होंने अपना सीना फाड़ दिया साथियों, और राम सीता जी विराजमान थे। प्रेम यानी गहरा नाता, गहरा रिश्ता, दिलों का रिश्ता मीरा को भी था श्री कृष्ण से। राणा ने विष दिया मानो अमृत दिया, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। साथियों मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सभी प्रेम के साथ अपने काम से भी बेहद प्रेम कीजिए। याद रखना साथियों, जिस तरह आप सबसे प्यार करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, अपने वर्क से भी उतना ही प्रेम कीजिए। ये वर्क प्रेम आपको बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा देगा। थैंक यू साथियों, मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको पीपी मीटिंग के बारे में बताऊंगा। पीपी मीटिंग यानी प्री प्रोडक्शन मीटिंग, ये गारमेंट एक्सपोर्ट की रीढ़ की हड्डी है। अब चलिए साथियों हम प्री प्रोडक्शन मीटिंग के बारे में जानते हैं। ये प्री प्रोडक्शन मीटिंग है क्या साथियों? प्री प्रोडक्शन मीटिंग मतलब प्री अलर्ट, यानी बल्क प्रोडक्शन शुरू करने से पहले हम सभी कंसर्न डिपार्टमेंट को एकत्रित करते हैं। सभी कंसर्न डिपार्टमेंट यानी फैब्रिक डिपार्टमेंट, एसेसरीज डिपार्टमेंट, वॉशिंग डिपार्टमेंट, कटिंग डिपार्टमेंट, स्टिचिंग डिपार्टमेंट यानी फिनिशिंग डिपार्टमेंट, यानी पैकिंग डिपार्टमेंट, यानी प्लानिंग डिपार्टमेंट, यानी आई यानी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, यानी प्रोडक्शन प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल, सभी क्वालिटी कंट्रोल, सभी तरह के डिपार्टमेंट इकट्ठे होते हैं एक मंच पे। एक मंच पे इकट्ठा होने का मतलब कि सभी अवेयर हो जाते हैं। एक प्रोडक्ट जो बनता है उसमें बायर के कुछ कमेंट्स भी होते हैं, कुछ और बातें भी होती हैं। एक आदमी के जानने से तो कोई बात नहीं बनती साथियों, सभी को अवेयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोसेस नाना प्रकार के होते हैं, नाना प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं। तो जरूरी है कि सभी कंसर्न पर्सन को हर जानकारी जरूरी है। जैसे लेबल कैसे लगना है, क्या उसका पैरामीटर है, यानी वॉशिंग कैसी होनी है, यानी बैलेंसिंग कैसी होनी है, यानी टैग कैसे लगना है, यानी लॉटिंग कैसे होनी है, यानी पॉली बैग कौन सा लगना है, यानी इनलाइन कब होनी है, मिड लाइन कब होनी है, फाइनल कब होना है, कब सीसी डेट है, सीसी डेट यानी कार्गो क्लियरिंग डेट। ये सारी जानकारी दोस्तों एक प्लेटफॉर्म पे एक मीटिंग में करना जरूरी है। तो पीपी मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सभी तरह की जानकारियां, बायर के कमेंट यानी सारी जो प्लानिंग है उसमें प्लानिंग डिपार्टमेंट भी बैठता है, उसमें टीएनए भी पेश होता है। टीएनए यानी टाइम एंड एक्शन कैलेंडर, उसमें ओबी भी होती है यानी ऑपरेशन बुलेटिन, यानी जो आपका सारा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे डिस्कस होती है। सारे डिपार्टमेंट के कंसर्न पर्सन अवेलेबल होना वहां बेहद जरूरी है। साथियों पीपी मीटिंग का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट पे सारी बातें हिंदी या इंग्लिश
में लिखा जाता है और सभी कंसर्न डिपार्टमेंट उसमें अपने अपने विचार देते हैं, अपनी अपनी बातें बताते हैं कि कहां पे क्या बेस्ट केयर करने की जरूरत है या क्या नहीं हो सकता। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है साथियों, जब बायर कुछ लिख के देता है और वो प्रोडक्शन में पॉसिबल नहीं हो पाता है तो उसको उसी समय पीपी मीटिंग में डिस्कस करना अनिवार्य होता है। उस समय बाइंग ऑफिस या लाइजन ऑफिस या ब्रांड का रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल होता है और उस समय हम फाइट करते हैं कि सर ये हो पाएगा ये नहीं हो पाएगा। साथियों, पीपी मीटिंग बैकबोन ऑफ प्रोडक्शन, अगर इसमें आपने जरा भी लापरवाही करी या इसको डिस्कशन नहीं किया तो याद रखना साथियों, बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। बड़ी क्षति का मतलब यह होता है कि आपकी प्रोडक्शन गलत बन सकती है, आपकी लेवल अटैचमेंट गलत हो सकती है, आपका कंस्ट्रक्शन गलत हो सकता है, आपकी पैकिंग गलत हो सकती है, आपकी पैकिंग के ऊपर स्टिकर जो लगते हैं वो गलत हो सकता है और भी चीजें जो गलतियां होना स्वाभाविक है। तो साथियों, पीपी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट जितना प्रोडक्शन है उतना इंपॉर्टेंट। यानी हमें पीपी मीटिंग करना बहुत जरूरी है प्रोडक्शन से पहले। ये पीपी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो साथियों, बहुत लंबी वीडियो ना हो इसके लिए मैं चाहता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि पीपी मीटिंग क्या होती है। पीपी मीटिंग प्रोडक्शन बल्क प्रोडक्शन से पहले सभी कंसर्न डिपार्टमेंट को इकट्ठा करके सभी तरह की बातें करना, यानी प्रोसेस कंट्रोल, यानी शिपिंग की टाइमिंग, यानी इंस्पेक्शन का शेड्यूल, इन सब बातों पर विचार विमर्श करना और उसे लिखित रूप से पीपी मीटिंग फॉर्मेट में ऐड करना और उसके ऊपर प्रॉपर सबकी सिग्नेचर लेना और सभी को एक एक कॉपी प्रोवाइड कर देना ताकि किसी प्रकार की गलती होने की गुंजाइश ना हो। इसी को कहते हैं पीपी मीटिंग। तो मुझे पूरी उम्मीद है साथियों कि आप आज पीपी मीटिंग के बारे में समझ गए होंगे और इसे कोशिश कीजिए कि आपके फैक्ट्री में, आपकी संस्था में 100% लागू हो और ईमानदारी से हो। जिस दिन हम लोग अपने वर्क को ईमानदारी से करना स्टार्ट कर देंगे, वैसे तो सभी ईमानदारी से करते हैं साथियों, लेकिन दिल से करना है, मैंने आपको बताया ना, प्रेम से करना है, यानी पूरा अटैचमेंट के साथ करना है। साथियों, एक बात ध्यान रखना, आप कभी भी फैक्ट्री में वर्कर समझकर काम मत कीजिए। आप ये सोचिए कि मैं इसका ओनर हूं, यानी मैं ओनर हूं, ये मेरी फैक्ट्री है, इसका थोड़ा भी नुकसान मेरा खुद का नुकसान है। साथियों, जिस दिन आपको ऑर्गेनाइजेशन से, संस्था से, फैक्ट्री से प्रेम हो जाएगा, उस दिन देखना साथियों, आप कभी भी लेट तक रुकेंगे, तकलीफ होगी, बेहद परिश्रम करना पड़ेगा, आपको अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी साथियों। सिर्फ काम को प्रेम करिए, जिस संस्था से आप जुड़े हुए हैं उसको प्रेम कीजिए,
जब लगाव हो जाएगा साथियों, तो आपको वो संस्था अपनी खुद की लगने लगेगी। एक बार करके देखिए, आपको मेरी बातें 100% अच्छी लगेंगी, ये मेरा दावा है। वर्कर समझकर काम मत कीजिए साथियों, मालिक समझकर काम कीजिए। जिस दिन आप मालिक समझकर काम करेंगे, उस दिन आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको लगेगा कि ये मेरी फैक्ट्री है, ये मेरी संस्था है, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेरा बायर है। आप परफॉर्म करेंगे और याद रखना, आपका डेवलपमेंट भी होगा, आप तरक्की भी करेंगे और भविष्य में हो सकता है आप ऑनर भी बन जाएं। जरूर ऑनर बनेंगे, क्योंकि आपकी भावनाएं पॉजिटिव हैं, और जिनकी भावनाएं पॉजिटिव होती हैं, जिनको अपने काम के प्रति बेहद प्रेम होता है साथियों, उसे ऑनर बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू साथियों, गुड नाइट।